जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक करते हैं सब भाइयों को यूट्यूब चैनल पे और फेसबुक पेज पे। दोस्तों मौसम जो है वो इसी तरह का बना हुआ है, बारिश नहीं जान छोड़ रही जी, आज भी बारिश दोस्तों हुई है। और दूसरे नंबर पे हवेली के अंदर आपको पता है जिस तरह से काम जो है वो इसी तरह से मतलब रुका हुआ है। मोटर वालों को भी बोला हुआ है, वो भी नहीं अभी तक कोई भी दोस्तों कहीं भी काम पहुँचा। तो बाकी जो है पहले भी मैंने आपको बताया था उस दिन भी, चार पाँच बच्चे जो थे हमारे उनको हमने जी फिर ज़्यादा परों पे वो चले गए थे, उनके बाहर वाले जो हैं वो कन्नियाँ फिर खींच दी थी और उनको पटाई मतलब देकर फिर वहाँ पे छोड़ दिया। और अगर बच्चा वैसे दाना खा रहा हो वो जल्दी से कलियाँ जो है ना वो गिराता है, अगर बच्चा उड़ रहा हो तो वो फिर जो है ना बड़ी स्लो स्लो कलियाँ जो है ना वो गिराता है। तो इसका सब भाइयों को पता है। तो बाकी तो वैसे जिस तरह से हमने फिर जो पाँच छः बच्चे हैं आपको पता है हवेली के अंदर जो छोड़े हुए हैं उनका आपको पता है माशाल्लाह से बड़ी अच्छी ट्रेनिंग उनकी हो गई है, रात को भी ठीक बैठ रहे हैं और सारा सिस्टम ठीक है। अगर उनके साथ है ये बच्चे भी लगे होते ना तो इन्होंने बड़ा मज़ा कराना था। तो दोस्तों आज जो हम बच्चों को ले कर जाने लगे हैं हवेली में, उसके लिए मैं ज़रा काटन को ये देखे ना सुराख कर रहा हूँ। तो फिर इसके अंदर हम बच्चे डालते हैं, हम कमर ज़रूर वीडियो वॉच कीजिएगा, इंशाल्लाह बच्चे भी आपको दिखाएंगे साथ साथ में, बड़ा मज़ा आएगा जी। तो कमरे में पहले हम जाते हैं, ज़्यादातर बच्चे तो कमरे में ही हैं, मैंने रोके हुए यहाँ पे भी हैं वैसे बच्चे, यहाँ पे कम हैं। तो चले जी आते हैं अब कमरे की तरफ, तो कमरे से आपको दिखाते हैं आज हम भाई। तो ये दोस्तों बड़ा हमने एक काटन ले लिया और सामने माशाल्लाह से आज बच्चे बच्चे हैं जी, ठीक है ये सामने नजर आ रहे हैं आपको सारे बच्चे। तो इनको जरा मैं एक एक करके पकड़ता हूँ, जरा छिक्का पता नहीं कहाँ चला गया, छिक्के से पकड़ता हूँ। तो फिर इसके अंदर डालते हैं बच्चों को, ठीक है चलो यहाँ से इसको जरा मैं बंद कर दूँ इस तरीके से, फिर इस तरह रख लेंगे ना जरा करके, जरा चौड़ा डब्बा है फिर सही काम सेट रह जाएगा। मैं जरा छिक्का दोस्तों मिल गया, अब गिनती भी साथ साथ में करते जाते हैं। और पहले नंबर पे हम पकड़ते हैं ये बच्चा जो हमारा सियालकोट ही है जी, वाइट बच्चा माशाल्लाह। अंडे पहले नंबर पे हम उठा लेते हैं, यहाँ से अंडा मेरे ख्याल में टूट ही गया, ये देखे जहाँ पे इन्होंने दिए हुए अंडे यहाँ से टूट ही जाने, तो ये देखे एक अंडा तो वैसे टूट गया। रेट वैसे सही है, ये इसी के मतलब बटेरे कबूतर ने अंडे दिलवाए हुए हैं दूसरी मादी के साथ। तो इन अंडों को जरा यहाँ पे रख लेते हैं, एक तो बेकार हो गया अंडा उससे बच्चा नहीं निकलेगा, तो दूसरे ने हम उनसे पकड़े पहले बच्चा कहाँ चला गया वो दोस्तों। ये माशाल्लाह से पहले नंबर पे बच्चा आ गया जी हमारा सियालकोट, बटेरे कबूतर के साथ हमने फ्रांसी मादी लगाई है, उसके उसमें से ये बच्चा आगे निकला है जी। ये दोस्तों इस बच्चे का माशाल्लाह से पर्पल है और सेम वही चीज चिड़ी वाली वो नजर आएगी आपको, ठीक है जी। तो बहरहाल इस बच्चे को पहले नंबर पे काटन के अंदर हम तो इनको दोस्तों मैं टेप शेप नहीं लगाऊंगा, वहां पे ऐसे ही जाके हम बच्चों को छोड़ देंगे। माशाल्लाह से 15 नंबरी इस बच्चे का भी आप शो कर लें, ये 15 नंबरी है जी मास्टर साहब को जो हमने दिया था और उनका बाजी में रात रह गया था बच्चा, और इसी का भाई एक हमने रोका भी होगा ब्रीड के लिए जो इस्तेमाल कर रहे हैं। ये दोस्तों इसका पर्पल है जी बच्चे का। तो ये माशाल्लाह से हो गए दो बच्चे, दाना मैंने इनको खिला खिलू लिया ये देखें, क्योंकि सेकंड टाइम है दोस्तों वहां पे जाके इन्होंने जरा दो दिन दाना नहीं खाना अच्छे तरीके से, ये इसे दाना इनको खिला, दो हो गए माशाल्लाह से। ये कौन से जोड़े का बच्चा है जी, ये 43 नंबरी दोस्तों बेटी जना, ये देखना माशाल्लाह से हमारा 43 नंबरी जोड़े का जो 1 लाख वाला जोड़ा वो आपको मैंने दिखाया भी है सारी चीजें। ये दोस्तों इसका पर्पल है माशाल्लाह से, ठीक है जी, बड़ी अच्छी ये जो है ना परफॉर्मेंस देते रहे हमारे पास। ये टैडी, ये इसकी आंख है जी माशाल्लाह से, टैडी है ये वाले, तो इसको भी हमें अंदर से दोस्तों बुरा बना रहे हैं, कमरे का व्यू इस तरह का है बच्चे का थोड़ा सा दोस्तों मतलब पेपर बुरा बना रहे हैं। ये जी आपको जिस तरह से उस दिन दिखाया था जहरीली ब्रीड हमारी,
तो ये माशाल्लाह से काफी बच्चा है जी, ठीक है। ये इसका पार्क पल्ला चेक कर लें, साथ साथ में इंशाल्लाह सारी चीजें आपको दिखाता जाऊंगा जी। ये दोस्तों इसकी आंख तो खैर आपको नहीं नजर आएगी, अभी छोटे बच्चे हैं ना, तो ये हो गया नहीं। तो इससे आगे दोस्तों ये माशाल्लाह से आ गया लाखा, ठीक है जी। स्लेटा जो हमने छोड़ा हुआ है उधर अपनी छत पे जो हमारे पास हो गया, ये उसी का भाई है आगे। ये माशाल्लाह से इसका पार पल्ला कमाल का पल्ला इनका निकला हुआ है, ये देखें जरा, तुम इतने कैमरा रखो ना करना, ये देखें दोस्तों ये जी इसका पल्ला है। और माशाल्लाह से इस बार खूबसूरती भी बड़ी इंतहा से, मतलब ज्यादा खूबसूरती है इसके अंदर इस बार ना। ये जिस तरह का इसका बाप है ना, उसी तरह सेम आगे जो है ना वो बेटा निकला हुआ है। ये कल सिरा कल पूछा, मतलब स्लेटा था देखना जिस तरह इसका बाप है। तो बहरहाल दोस्तों एक ये बच्चा हो गया जी, इसको भी हम जाए इसके अंदर छोड़ते हैं। बच्चे तो वैसे पकड़े जा रहे हैं, मतलब ज्यादा छिक्के की जरूरत तो नहीं पड़ रही। बारह माशाल्लाह से ये बच्चा आ गया जी हमारा 23 नंबरी का। ये दोस्तों 23 नंबरी जोड़ा, फिर बीच में से काफी अरसा ब्रीड फिर नहीं इसने की, फिर उसके बाद जो माशाल्लाह से देख रहे हैं कलियां, ये बच्चा भी गिरा गया दो, मेरे ख्याल में इकट्ठी कलियां गिरा गया, तीन और तीन छह और दो आठ, दो कलियां इकट्ठी जी ये बच्चा गिरा गया 23 नंबरी। तो ये माशाल्लाह से हमारे पास बड़े अच्छे उड़े हुए हैं, ठीक है जी। ये इसकी आंख हो गई आगे, नेस्ट अभी ये छोटे बच्चे हैं सारे कोने में लगे हुए हैं, ये छोटे बच्चे हैं, इनको नहीं अभी लेके जाएंगे, अभी इनको रहने देंगे यहीं पे। तो अच्छा जी एक ये स्पेशल जी पेयर जो है ना मैंने एक लगाया, ठीक है इंशाल्लाह इसके मैं बच्चे भी रोकूंगा। ये मादी सामने बैठी हुई है माशाल्लाह से इसकी, ये वाली चोरी साहब वाली मादी है जी, और इसका ये बेपीजन है, ठीक है। बच्चे भी इंशाल्लाह इसी की तरह ये सारी चीजें अपनी वाइट करेगा, तो माथा भी वाइट है इसका, यहाँ से ये चीजें वाइट आ भी रही हैं, आपको नजर आ रही होंगी, बड़ा खूबसूरत इंशाल्लाह बनेगा। तो ये वैसे मैं उड़ा के चेक करके इंशाल्लाह फिर इनके रोकूंगा। ये दोस्तों बड़ा बुरा यार मना रहा है बच्चा, मुलायमियत माशाल्लाह बड़ी है इसके अंदर। तो ये जी इस जोड़े का बच्चा है, पहला बच्चा है, तो उम्मीद है अच्छा जो है ना वो काम करेगा, पल्ला शल्ला हर चीज तो बड़ी अच्छी माशाल्लाह से इसकी बनी हुई है देखें, तो आगे उम्मीद है अच्छी काम करेगा, क्योंकि पॉइंट अच्छी हो तो आगे बच्चा भी अच्छी जो है ना प्रवाह देता है। मुलायमियत दोस्तों माशाल्लाह बड़ी है बच्चा, तो एक ये हो गया जी, ठीक है। इसके बाद एक ये बैठा हुआ दोस्तों एक आ गया जी माशाल्लाह से हमारा 40 नंबरी। ये दोस्तों इसका पर्पल है, ये देखें बड़े तेज पार का मालक है माशाल्लाह से। अच्छा जी ये इस बार जिस तरह जेठ लगा आपको पता है जितनी गर्मी पड़ी है, ये गुजरात में हमारे एक रुखसार भाई हैं, उनके पास मैंने बच्चे भेजे हुए थे, इसकी सभी पट्टी मैंने अपनी छत पे छोड़ी उड़ाने के लिए, और बस बच्चा एक कम पड़ गया, और मैंने वो पट्टी जो है ना वो उसमें मतलब बच्चे था वो उस वक्त, तो वो मैंने उनको जो है ना साथ में डाल के दे दिया। इस गर्मी में वो बच्चा 2 से 3 तक उड़ता रहा, 2 से 3 बजे तक, ये जेठ जितना लगा हुआ था सबको पता है, इस जेठ में माशाल्लाह से उसकी परफॉर्मेंस थी। तो इसको भी आप छोड़ते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। और इसके बाद एक ये बच्चा बैठा हुआ है, तो ये दोस्तों माशाल्लाह से बच्चा बैठा हुआ है, ये देखें इसके पर्पल्ला जी, ये थोड़ा सा वीकनेस के अंदर पला है, बाकी माशाल्लाह बच्चों की ग्रोथ आपने देखी है बड़ी अच्छी हुई है। ये बच्चा जो है थोड़ा सा वीक पला है, ये हमारे टैडी है मेरे ख्याल में 49 नंबरी नहीं 48 नंबरी है, ये देखें। तो ये हमारे टैडी है 48 नंबरी, एक इसका भाई हमारे पास उधर पड़ा भी है वो थोड़ा सा डींगा। तो बाकी दोस्तों ये बच्चा हो गया, इसको भी डाल देंगे देखते हैं कि कौन कौन से बच्चे पीछे रह गए हैं। तो दोस्तों बाकी एक बच्चा ये बैठा हुआ है जी, और ये हमारे वैसे 42 नंबरी है, इसको मैंने कड़ी डाली थी और कड़ी इसकी मेरे ख्याल में उतर गई है। ये देखें ये इसका पर्पल है जी 42 नंबरी का, ये देखें दोस्तों, और मुलायमियत माशाल्लाह से इसके अंदर भी बहुत ज्यादा। तो ये भी हमारे वैसे बेसिकली टैडी है, और टैडी के साथ जो है मैंने अब मादा चेंज की हुई है, न्यू मादा एक लगाई है, तो वो सामने बैठी हुई है, वो आपको नजर आ ही रही होगी, वो देखें लाल आंख वाली है,
तो क्रॉस में पेयर किया और माशाल्लाह से पार तो बड़ा अच्छा निकला, चौड़े पार का मालिक है ये बच्चा। और आगे परफॉर्मेंस देखेंगे ये आगे क्या करता है। ठीक है, दो भाई हैं, दूसरा अभी इसका मेरे ख्याल में छोटा है, उसका भी मालिक ये कौन सा बच्चा जी, ये देखें 23 नंबरी का दूसरा भाई ये है जी, ये देखें दोस्तों ये बच्चा ची ची कर रहा है ये देखें। अच्छा, बाहर वाली कलियां अभी इनकी कच्ची हैं और अंदर से देखें ये एक और गिरा गया, ये देखें ये नजर आ रही है जी, एक और बच्चा कली गिरा गया, ये देखें 3 और 3 6 और 2 8 ये देख रहे हैं दूसरी कली का हो गया। और असू में दोस्तों आपको पता है जिस तरह से अभी 2-2.5 माह जो है ना वो पड़े हुए हैं, तो उसके लिए ये बच्चे जरा छोड़ेंगे, जितना जल्दी छोड़ेंगे उतना ज्यादा काम सेट रहेगा। ये बच्चे की आइस थोड़ा सा काम खराब हुआ है, बाकी बहरहाल इसके मैं अभी से ड्राफ्ट डाल देता हूँ ताकि ये जो है ना काम आगे मजीद ना खराब करे। तो नहीं दोस्तों लगे आता हूँ साथ में जो है ना वो काम खत्म करते हैं। इसकी आंख के अंदर मैंने जो है ना ड्राफ्ट डाल दिया है, इस तरफ से ठीक है आंख, ये देखें जरा जी, इसको भी यहाँ पे जाना हमने रख दिया। आगे दोस्तों और बच्चे जरा मैं पकड़ता हूँ, ये पकड़ने आओ जरा ड्राफ्ट, ऊपर को कैमरा करें ना साथ में जरा दिखाते हैं। ये दोस्तों बच्चा ये है और ये बच्चा नहीं, अभी मैं लेके जाऊंगा, ये अभी छोटा बच्चा है। तो ये वैसे 42 नंबरी का भाई है जी, ये देखें जरा ये 42 नंबरी जो अभी मैंने आपके साथ शेयर किया, ये देखें इसके पंजे थोड़े से जो है ना गंदे हो रहे हैं। दरअसल बच्चे दोस्तों मैंने पकड़े नहीं कभी, आज फर्स्ट डे है बच्चों को पकड़ रहा हूँ मैं, और पकड़ पकड़ के जो है ना वो आज चेक भी ज़्यादातर कर रहा हूँ और साथ साथ में जो है ना कार्टन में डाल के लेके जा रहा हूँ वहाँ पे, सारा कुछ वहाँ पर करें कुरें के आ गए इनका जी। ये बल्ला देखें माशाल्लाह से इसका, अच्छा उसके पार चौड़े हैं वो आपने देखा अभी जो जीरा मैंने ऐसा दिखाया, इसके देखें कितने कमाल का पार निकला। तो बाकी देखेंगे अब ज़्यादा बेस्ट काम जो है ना वो कौन सा बच्चा करता है, तो इसको छोड़ देते हैं ये देखें। और एक ये बच्चा वाहिद, तो दोस्तों आगे ये बच्चा है जी वाहिद है जिसको मैं नहीं लेके जाऊंगा, ये मेरे ख्याल में है 29 नंबर, ये देखें ये जो हमने मैंने उस दिन आपके साथ वो ब्रीड शेयर की थी जहरीली ब्रीड, उसका भाई है ये वाला, ये देखें पीछे से अभी ये ठीक नहीं हुआ मुकम्मल तौर पे, इंशाल्लाह इसका कोरस भी कर रहे हैं। और दूसरे नंबर पे ये मैंने बच्चा उड़ाना नहीं है, ठीक है इसको आगे ब्रीड के लिए रोकना है इंशाल्लाह। साथ साथ में अपने भाइयों को भी जो है ना मैं शेयर कर देता हूँ। ये दोस्तों बच्चा है जी माशाल्लाह से खुला इसका, और ये इसका आँख शाँख हो गई जी, ठीक है आगे दोस्तों। इसके अलावा एक बच्चा ये अब मेरे ख्याल में बच्चे कमरे से पूरे हो गए हैं, अब ये एक बच्चा रह गया, ये सही नहीं पला, ये आपको पारिस के नज़र आ रहे होंगे। तो ये मैंने अभी जो आपके साथ 40 नंबरी शेयर किया है ना जिसका मैंने आपको अभी बोला है कि गुजरात के अंदर वहाँ पे इतनी गर्मी के अंदर 2 बजे तक वो बच्चा जो है ना वो पट्टी बन गई थी, अब बड़ी हो गई थी तो वो बैठता रहा वहाँ पे, तो ये उसी का भाई है। इसके अभी तो पार थोड़े से कच्चे हैं ये देखें, और ले जाएंगे वहाँ पे जाके इसकी बगल भी सारी खींच देंगे, दुम्ब भी खींच देंगे और पार भी सारे खींच देंगे, ठीक है ताकि ये न्यू आएगा लैस होकर तो इनशाला ये अच्छे ही बनेगा, कमाल का बनेगा। तो इसीलिए इसको भी ऐड कर लेते हैं इनके अंदर, ये इनके अंदर इसको भी छोड़ दिया। आगे दोस्तों मजीद अब बच्चे जो हैं मेरे ख्याल में कोई नहीं है, यहाँ पे बच्चे सारे खत्म हो गए हैं। तो एक ये वाहिद बच्चा बैठा हुआ है, इसकी ग्रोथ नहीं सही हुई थी, इसको नहीं लेके जाना, इसको नहीं करना है। और बच्चे जो हैं वो छोटे हैं अभी, अंडे दोस्तों अंडे हमने वही वही तरह खुदा खड़ी हैं जहाँ जहाँ से उठाए थे अंडे, और वो बच्चा कौन सा बैठा हुआ वो मेरे ख्याल में 45 मिनट में ज़्यादा वहाँ पर बैठ गया। हाँ ये वाला 42 मिनट बैठा, मुझे ये था शायद कि ये जो है ना कोई और बच्चा, ये देखो वो अपने खाने में चला गया। तो बारह दोस्तों इस कार्टन को बाहर निकालते हैं और बाहर से देखते हैं वहाँ पर कितने बच्चे हैं, तो साल में वहाँ पर भी आशा शेयर करते हैं। दोस्तों आपको जिस तरह से मैंने बताया था कि बच्चों इंशाल्लाह घर की छोड़ने, तो जितने भी हैं आपके सामने सारे के सारे इंशाल्लाह जाएंगे इस साइड से भी, जरा देख लें कि इस साइड में बच्चे कितने जाना पड़े हुए हैं।
बच्चा ये है जी, और इसके साथ दूसरा ही बच्चा और बैठा हुआ है एक, ठीक है जी, और तीसरा एक ये बैठा हुआ है का, ठीक है जी, पीछे बड़े हैं मेरे ख्याल में, यहाँ से तीन ही बच्चे पड़े हुए हैं। ये दोस्तों बच्चा जो है ना, इसका थोड़ा सा ट्रीटमेंट चल रहा है, इसका गले का थोड़ा सा मसला है, तो बाकी अब वहाँ पे जाके मैं जो है ना इसका सारा सेट करूँगा इंशाल्लाह काम। ये पांच नंबर ही है। तो एक ये हमारा बड़ा प्यारा और लाडला बच्चा है जी, ये साथ रहा मैं शेयर करता हूँ, ये देखे इसका पल्ला शल्ला जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, सब भाइयों ने ज़रूर बोलनी है जी इसके, माशाल्लाह से जहाँ भी भेजे हैं ना मोर ही खाई है इसके बहन भाइयों ने। तो अब अपनी छत पर छोड़ेंगे इंशाल्लाह, उम्मीद है कि वहाँ पे भी जो है ना बच्चा रिजल्ट देंगे जी। तो ये माशाल्लाह से दोस्त इसके पंजे शंजे हो गए, और ये इसकी आँख है, लाल आँख है माशाल्लाह से, और लाल आँख ही जी सब कुछ है ये देखें। तो बहरहाल इससे आगे ज़रा और बच्चे ने जीत देखती है, ज़रा बच्चे भी काफ़ी हो गए और बचपन के ना मना रहे हैं। पहले नंबर पे ये बैठा हुआ है जी बच्चा, जो हमें अपने उस्तादों की तरफ से आए थे ना जोड़े दो, उनमें से ये बच्चा पहला जी निकला माशाल्लाह से, ये इसका पर्पल है, ठीक हो गया जी। और ये इसकी आँख के ऊपर ये दाने शाने बने हुए हैं मच्छरों की वजह से, ये इंशाल्लाह साफ हो जाएंगे आगे वक्त के साथ। तो बाकी ये इसकी आँख शाँक हो गई, इसको भी हम ऐड करते हैं यहाँ पे, इसका हमने सात नंबर मेरे ख्याल में कड़ी डाल दी है, सात नंबर ही है। आगे एक ये दोस्तों बच्चा है, ठीक है जी, और बच्चे अभी हैं वो बहरहाल छोटे हैं, ये देखें ये भी सामने पाल रहे हैं माशाल्लाह से, अब ये देखें इधर भी, ठीक है, ये देखें बच्चे अभी थोड़े थोड़े छोटे हैं यहाँ पे। तो एक ये बच्चा पूरा पाल गया है, इसको भी यहाँ से निकाल लेते हैं। अब इनकी बच्चों की अभी ना कलियाँ कच्ची हैं बाहरी वाली, ये देखें ये बच्चे की अभी बाहरी वाली कलियाँ जो है ना वो कच्ची हैं, वो लाख है सामने आओगे, और वो पीछे बच्चा वो भी अभी कच्ची हैं। तो बच्चे माशाल्लाह से बड़े ज़्यादा निकले हुए हैं, बाकी कच्चे हैं परे हैं पीछे हों, जरा इनको जो है ना अब अंदर डालते हैं साथ में काटन के, बस कोई ना कोई बच्चे ही साइड में। तो ले दोस्तों एक मरतबा तो हमने सफाया कर दिया जी बच्चों का, एक मरतबा तो हमने जो है ना सफाया कर दिया जी। ये बच्चा जी सियालकोटियों का माशाल्लाह से, इसका भी पल्ला शल्ला देख लें माशाल्लाह से बड़ा अच्छा ये भी बच्चा है जी। तो बाकी आ गए, ये भी कलियां गिरा गया बच्चा, तकरीबन सारे बच्चे दोस्तों कलियां गिरा गए हैं, और कपड़े मेरे थोड़े से ख़राब हो गए हैं, तो कोई बात नहीं, इनको इस तरह से थोड़ा सा खुल जाएंगे, सेट हो जाएगा निज़ाम। तो बहरहाल दोस्तों ये ज़रा मैं ले कर जाने लगूँ बच्चों को हवेली की ओर, तो वहाँ से इंशाल्लाह तैयारी शेयरी करेंगे। अभी दो बच्चे हमारे उड़े भी हुए थे वो ऊपर रहते हैं, तो ये है कि ज़रा उनकी भी तैयारी जिस तरह से हो रही है, अगर ये भी वहाँ पर होते तो और निज़ाम जो है ना वो सेट हो जाना था। तो बाकी दोबारा दोस्तों कोई नहीं, बात खैर आ गया, हम जो है ना वो फिर चलाते हैं इन बच्चों को वहाँ पे छोड़ते हैं, तो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ इनको भी अब बाहर निकालना करेंगे आस्ते आस्ते से। तो जितनी देर में छत नहीं बनती उतनी देर तक इन्होंने उम्मीद है कि हिल भी जाना, सारा कुछ कर जाना। तो कोई नहीं दोस्तों, ठीक है, दुआ में याद रखिएगा, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, अपने भाई को मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।